मर्दों के खिलाफ हूँ मैं ऐसे। हाय गाइस एंड गुड मॉर्निंग टू टुडेज व्लॉग। तो भाई बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आज हम दिन की शुरुआत देखो 1 बजे कर रहे हैं। पापा दुकान पे ऑलरेडी जा चुके हैं। मैं बैठा ही था आराम से और अभी मैं सोच रहा था कि यार कहाँ से स्टार्ट की जाए। वुमेन को देखो बिल्कुल ढंग से खाने पे लगा दिया। देखो ढंग से रोटी पे 3 फुलके बुनने चाहिए थे। 3 फुलके मतलब 3 बार वेट रोटी को। ये है मेरी पोटली। मैं आपको इसके थोड़ा ग्लिम्सेस ढंग से दिखाता हूँ। व्लॉग फ्रॉम मम्मीज पर्सपेक्टिव। ये हमारा मंदिर है। ये हमने बहुत महंगी महंगी मूर्तियां लगा रखी है। ये देखो कितनी सुंदर साफ घंटी है ऊपर। ये हमने घी लगा रखा है। ये मम्मी के पर्सपेक्टिव से। ये देखो फूल लगा रखे हमने कितने फ्रेश। बस ये मम्मी की तरफ से हो गया, अब मेरी तरफ से। ये देखो कितनी महल हो रही है यहाँ पे देखो। तो भाई अपन आपको दिखाते हैं मेरी पोटली। ये देखो ये पूरा भरा हुआ है ना, ये मेरा ही। आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या सामान है। ब्राउन राइस है बहुत सारी। ये क्या है? D10 कॉफी फेस वॉश। वॉश यहाँ पे रखो। हाँ तो भाई ये देखो D10 पैक यूज करने वाले हम। ये वाला ये निकाल के रखा है। भाई मैं आपको बताता हूँ मैं क्या क्या फोकड़ में दे रहा हूँ। एक फेस सीरम, ये दोनों ले जाओ। ये एक्सपायर हो चुका है। ये सीरम भी आपके लिए। ये लो भाई 2 सीरम आ चुके हैं। ये तो मैं यूज करूंगा भाई, पावर ग्लो भी होगा। पील ऑफ मास्क चलो आपको गिफ्ट करा। एक और ये लो 2 पील ऑफ मास्क आप लोगों के लिए। आयुर्वेदिक हेयर ऑयल ये यूज करूंगा मैं। फेस स्क्रब ये यूज करूंगा मैं भाई। हाँ और बहुत सारी चीजें जो अंदर पड़ी है वो भी मैं यूज करूंगा भाई। बाकी आपको एक चीज बताना तो भूल ही गया, मेरी पंटर थोड़ी बड़ी हो गई है। दिखाता हूँ कचरा देख लिया। 2 पीपल सेम ड्रेस कोड पहन के आया ऑलमोस्ट, ताकि थोड़ा ऑफिस गोइंग लगे। पंटर गैंग जा रही है। दोनों जिम गोड देखो कितने लग रहे फिट, दोनों में बहुत फर्क है भाई। अनकवर्ड फैम बढ़ते हुए हमारी। तो भाई अपन तो निकल चुके अपने रोजमर्रा के कामों पे। टिफिन डिलीवरी सिस्टम। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर घर आ गए थे अपन। घर आते ही थोड़ा बहुत तुषार आया था, उससे बातचीत की और उसके बाद अपन निकल रहे अभी कार लेके मम्मी को ड्रॉप करने। मम्मी का एक्चुअली एक मेकअप है बहुत सही जगह पे, मम्मी को वहाँ ड्रॉप करेंगे। 4 बजे मुझे कहा था चल लेको, 4:15 ऑलरेडी हो गई है। हम निकल चुके हैं घर से। एक ही दुख है मेकअप में घड़ी पहन के नहीं चल रही है मम्मी। अरे नहीं घड़ी लेके आई थी मैं। पहुंच चुके हैं मम्मी का जहाँ पे मेकअप था। क्या कर रहे हो यहाँ पे? मेकअप है। चलो भाई मम्मी को छोड़ के अब मैं अपने काम से निकलता हूँ आगे। यहाँ से देखो यहाँ पे बैरिकेड लगे हुए हैं। देखो ये वे बोला भैया अंदर भीड़ हो रही है, नहीं जा सकते, एंट्री अलाउड नहीं। देखो हम यहीं से ही आए हैं, हम भी यहीं से आए हैं यहाँ से कहीं से। मैंने कहा भैया दुल्हन का मेकअप करना है मेकअप, तो बोले जाओ। मैंने बोला नहीं जाने दे रहा यार मम्मी छोड़ो। मम्मी बोला नहीं यहीं से चले गए तू देख तू कैसे इशारा करी। बढ़िया है भाई। अपन आ चुके हैं घर और अपन को देखो कौन मिला है। कहाँ घूम रहे आजकल? मैं स्टेशन पे गई थी आज। क्यों हो गई? 2 दिन पता नहीं थी भाई। वैसे तो मेरा आज का प्लान हो रहा था अजमेर दर का आपको दिखाने का, पर वो नहीं हो पाया और फिलहाल और भी काम है। तो मैं सोच रहा हूँ आज आपको मेरा जिम का वर्कआउट स्प्रेड ढंग से दिखाऊं कि मैं कौन सा वर्कआउट कर रहा हूँ भाई ऐसी खतरनाक बॉडी बनाने के लिए। मतलब ये वाली नहीं, वो वाली जो बनाई थी पहले उसका वर्कआउट स्प्रेड दिखाता हूँ मेरे को और तुमको आज मेरा। तो भाई अपन आ चुके हैं जिम। फिलहाल एनर्जी नहीं आ रही पर मैं प्री वर्कआउट लेके एनर्जी मेरी गैदर करने वाला हूँ। चलो भैया फाइनल जिम में एंट्री कर ली है। 1 स्टार्ट करने वाले हैं आज पुश वर्कआउट और सबसे इजी और बेस्ट पुश वर्कआउट बताऊंगा जो बिगिनर्स के लिए। मैं खुद बिगिनर लेवल का ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी इतना ज़्यादा प्रेशर लगाने का मन नहीं कर रहा। थोड़ा सा प्री वर्कआउट लिया मैंने इनसेन लैब्स का और बस अब वर्कआउट स्टार्ट करते हैं आपको दिखाता हूँ भाई। पहली एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ इंक्लाइंड बाई चेस्ट। फिलहाल कपड़ा बड़ा एक जना कर रहा है, उसके बाद अपन करेंगे। और फर्स्ट ये हो गई अपनी, फिर सेकेंड स्टार्ट करते हैं। 8 रेप्स हैवी नहीं लेंगे। एज अ बिगिनर आपको हमेशा अपने फॉर्म पर ध्यान देना चाहिए रदर देन फोकसिंग ऑन लिफ्टिंग मोर। इसलिए कि मैंने क्योंकि मेरा इंक्लाइन वीक है, तो पहली एक्सरसाइज ये करने के बाद सेकंड में आ रहा हूँ फ्लैट पे। टोटल मैं 2 एक्सरसाइज करूँगा यार, बिगिनर्स के लिए 2 बहुत है। एक तो फ्लैट कर लो, एक इंक्लाइन कर लो। या आपका अगर डिक्लाइन वीक है, ये पार्ट वीक है बहुत चेस्ट का जो आपको फील हो ही जाएगा, तो आप डिक्लाइन कर लो। मैं इंक्लाइन और आज ये कर रहा हूँ। थर्ड एक्सरसाइज जो है हमारी पैक फ्लाई। बेसिक के हिसाब से बता रहा हूँ, पैक फ्लाई करोगे बढ़िया रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। मैं हाथ ज़्यादा पीछे की तरफ रखता हूँ ताकि और ज़्यादा मुझे ट्रैक्शन मिले और ज़्यादा एरिया मिले कवर करने के लिए। ये देखो जब से जिम में एंट्री की है देखा ना आपने, 1.5 घंटा हुआ अभी तक बक 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 पता पड़ रहा है। वो तो मुंह से गाड़ी भर के ये पहले क्लियर कर दूं, ये कम्प्लीटली बिगिनर एक्सरसाइज है तो कर लेना, हर कोई बिगिनर कर सकता है, बस वेट स्लाइट लेना। ट्राइसेप की स्टार्टिंग अपन कर रहे हैं इससे। इस पर अपन क्या कर रहे हैं, रोप पुश डाउन कर रहे हैं। इसको रोप पुश डाउन बोलते हैं। काफ़ी बेसिक एक्सरसाइज है, आप डंबल से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं इससे कर रहा हूँ क्योंकि यार वेट उठाने का मन नहीं कर रहा है, तो आपका भी नहीं कर रहा तो ये। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होने वाली है
बिगिनर्स के हिसाब से ही ओवरहेड प्रेस। हाँ बहुत बेसिक सी आपको करके दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है। पूरा पीठ के पीछे तक लेके जाना है। वो देखो भाई मेरे हेटर पीछे क्या कर रहे हैं, मारने की सोच रही है बस, कैसे मारेगी ये सोच रही है। फिर उल्टे हाथ से भी यही करना है, ठीक है समझिए। 12 रेप्स और 3 सेट्स के आसपास, हाँ 3 सेट्स। मीन वाइल मेरे को चिढ़ाने के लिए मेरे पास आके खड़ी हुई। और हर बार ये देखो, अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ कर रहे हो ना, कम से कम उसको पहले ही धमकी दे देना, सेम कपड़े पहनना छोड़ दे। हर बार मेरी सेम कपड़े पहन के आती है, शक्ल देखो कैसी बना, बोलो ऐसी। भाई जब तुम ऐसी खतरनाक खतरनाक एक्सरसाइजेस मुझसे सीखो ना, तो ऐसी लड़कियां हैं तो जिम में अपन को देखो कैसे देखती। चुम्मी देने देखो, चुम्मी देने के लिए देखा, देखो देखो कैसी शक्ल बना रही है। साली दो मुख्य दिया, एक बार में पत्ती हो जाएगा मुंह। बस भाई 5 एक्सरसाइजेस बहुत है आपकी जिंदगी सफर करने के लिए एज अ बिगिनर, अगर आप जस्ट ट्राइसेप कर रहे हो तो। भाई इसी के साथ हमारा वर्कआउट भी खत्म होता है और अभी खत्म करते हैं। भैया वर्कआउट खत्म होने के बाद फाइनली हम मम्मी को लेने पहुंच गए। देखो ये रही मम्मी, ओ ले लगी बढ़िया। भाई हम आ गए मम्मी को लेने, आपने देख लिया था। एक्चुअली मम्मी ने बैग रखा और मम्मी अंदर गई है थोड़ा, क्योंकि शादी में आए और खाए नहीं, क्योंकि वो खींच के ले गए मम्मी को। तो बोला मम्मी को, तो मम्मी ने बोला चलो ठीक है आप बोल रहे हो तो मैं एटलीस्ट टिक्की तो खाई लेती हूँ। बहाने मैंने बोला मेरे लिए भी लेना टिक्की, विंता के लिए भी लेना, पर विंता बोल रही मैं नहीं खाऊंगी, तो मैं दो टिक्की खाऊंगा। बाकी थैंक यू सो मच भाई जिन्होंने भी ऑर्डर किया, टोटल 3 लोगों ने, 100-200 में से भी 3 लोगों ने ऑर्डर कर दिया। भाई इतना अच्छा लगा इसके नेल्स, ये अभी भी दूसरे डिजाइन देख रही है जो भी मतलब ऑर्डर किया है। मैंने बनाया वो वाला है। अच्छा जो इसने बनाया वही वाला डिजाइन देख रही है पहले खुद। हाँ जिन लोगों ने 3 ऑर्डर किया उनमें से एक लड़की थी और 2 लड़के थे। तो भाई थैंक यू सो मच यार, आप मेरे ब्लॉग देखते हो सबसे बड़ी बात, उसके बाद हमारे इतने छोटे से बिजनेस को भी सपोर्ट कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, आप लोगों को एक एक बॉर्नविल खिलाऊंगा भाई पक्का, आप तीनों को सिर्फ। बाकी अगर कोई आज ऑर्डर कर देता उसको भी, चलो इस ब्लॉग के बाद अगर किसी ने ऑर्डर किया तो मैं नेल्स के साथ 3 चॉकलेट भेज दूंगी। ये देखो आ रही है टिक्कियां, आ रही है हमारी टिक्कियां किंग्स। ए भाई हमारी टोली टिक्की टोली। भाई ब्लॉग में कुछ एंटरटेनिंग हो नहीं हो, इंदा एक गाना गा रही है का लाले लाले पूरा ठेला लाले। अरे मुंह है तेरा तो इतना लेस एनर्जी वाला लाले क्या होता है, पकड़िए मैं बताता हूं। लाले लाले पूरा ठेला लाले पूरा ठेला लाले पूरा ठेला गीला है। ऐसे मर्द होते हैं ना जो अपनी बीवियों को तंग करते हैं, जान के ना पानी गिराते हैं, बिल्कुल मर्दों के खिलाफ हूँ मैं ऐसे, कि है ना पोछा लगा रही और जान के पैर पे करते, यही चीज इसने पहले भी की थी। मेरे को नफरत है इस पुनीत सुपरस्टार से, जिस दिन वो ब्लॉक हो जाएगा ना मैं पार्टी दूंगी सारे सब्सक्राइबर को। पापा का मोबाइल ऑन होते ही व्हाट्सएप जैसे ही लॉगिन किया, 1500 से ज्यादा मैसेज, 70 से ज्यादा ग्रुप में पापा व्हाट्सएप में। भाई मैं तो देख के हैरान हो गया भाई, इतने ग्रुप में। भाई हम सारा काम सारा ऑनलाइन करते हैं, उसके बाद भी हम इतने ग्रुप में नहीं। पापा इतने सारे सिंधी ग्रुप होते हैं, जूनियर सीनियर ग्रुप है, मॉर्निंग वॉक ग्रुप है, पता ही नहीं 500 ग्रुप के अंदर पापा भाई एक्टिव। और थोड़ा थोड़ा मैसेज आया रुके ही नहीं जा रहा, फिर पापा बोलते हैं कि हैंग होता है। बाकी यार एंड कर दिया था वीडियो मैंने, पर एक चीज तो दिखाना भूल ही गया, विनीता ने भी एक वीडियो निकाला है। ये देखो ये पापा का तब का वीडियो है जब पापा ने नथिंग लिया था, अब मतलब नथिंग अपन ने लिया था पापा के लिए। डेट देख लो 26 नवंबर 2022। अरे क्या करे भाई, जब किस्मत ही हो आंडू तो क्या करेगा मेरे जैसा गांडू। नथिंग का फोन आया कब आया, नवंबर में आया था, 26 नवंबर, मतलब दिसंबर के आसपास आया। 6 महीने मैंने तुक्का बोला था। ओ सुन 26 जून को ही आया, कल ही आया 26 जून को, फिक्स 26 जून, मतलब पूरे 6 महीने हो गए तब जाके गुम हुआ है फोन। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन जो जिन्होंने भी, मतलब कुछ नहीं ऐसे ही बोल रहा था भाई। भाई हम एक चैलेंज कर रहे हैं, कौन सबसे ज्यादा फनी डायलॉग, कौन सबसे ज्यादा फनी जोक बताएगा और जिसके में आपको हंसी आए ना, तो भाई आप कमेंट करके बताना। भाई कौन बताना चाहेगा पहले, भाई पहले तुषार तू बता रहा है। ये जो वैसे कॉपीड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरनेट से उठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज द लव लैंग्वेज ऑफ अ बेगर, बता भाई। जोक तो मेरी जिंदगी है, मेरे को याद नहीं आ रहा यार, सॉरी। भाई विनीता का जोक रेडी हो चुका है,
बता जोक तेरा। मैं ये है ना लैपटॉप फेंक रही हूँ, फिर तुषार तुषार की जिंदगी जोक बन जाएगी। पर जो बैगर वाला जोक बना रहा था ना वो पता नहीं खुद बन जाएगा। भाई तो मैं मेरा जोक मारने वाला हूँ, देखना दिखाता हूँ। हाँ क्या? हाँ अभी दे रहा हूँ, आया कोने में चल। मैंने मार दिया जोक भाई बाहर आके। भाई भैया मैंने वो बताया जोबन नहीं, मैं तो पिंकू बैठे थे और एक्सेंटेशन वाला जोक मारा था। ए, कोई ऐसा ही नहीं यार। कौन सा भाई, हम जानते ही नहीं कौन है। मैं जानता ही नहीं, गाने सुनने में मजे नहीं आते। मैंने बोला यार वो रेगुलर नहीं डालता ना। देखो भाई कितने डार्क जोक मार रहा भाई, कारण देखा ही नहीं, जानता ही नहीं ना कौन है। चलो भाई मैंने जोक मार लिया, मेरा साइड से कंप्लीट है, इंदा ने भी मार लिया। बस आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।